निहल कमन भाग जाएगी। सो वन एंड ओनली हम लोग डेस्टिनेट पे मीट करने के लिए निहल मिस यूनिवर्स 18 और बहुत ऐसा कोइंसिडेंस सबके साथ है। सबसे पीछे नहीं रहोगे? नहीं रहोगे हैं? नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। ये मॉम की पहली फ्लाइट जर्नी होने वाली है एंड इट्स गोना बी अमेजिंग और काफ़ी मज़ा आएगा। आई जस्ट वांट हर टू एंजॉय दिस वन। आई थिंक मेरे जो प्रीवियस वीडियो जो ड्रॉप होगा दैट वुड बी डेडिकेटेड टू माय नाना और बहुत अच्छा लगा। आई विल बी बैक सून इन दिल्ली शॉर्ट विजिट के लिए। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द दिल्ली सीरीज। दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो ऑफ द दिल्ली सीरीज। सो लेट्स गो। ध्यान रखो, आऊंगा फिर से। हाँ हाँ ठीक है। शॉर्ट ट्रिप सैटरडे संडे। अगली बार डायरेक्ट मैरून ही आऊंगा। बाय नीरज, चलिए ले तेरी है। हमारी फ्लाइट 2 बजे की है और हम लोग अभी 12 बजे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मेरी मम्मी मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट है। हम लोग अभी चेक इन करा के फिर से आता हूँ मैं कैमरे के ऊपर। कैसा लग रहा है मम्मी एयरपोर्ट पे आके? क्या बोल रहे हो? अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस अनुपमा जैसे। तो अभी बस हम लोग लगे चेक इन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बारकोड वगैरह लगा दिया। अभी कितना टाइम? हाँ अभी 1:30 हो रहे हैं। अभी इसके बाद में लगेज आगे करेंगे हम लोग। वैसे देखा जाए तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ और लगेज तो आई थिंक सो मैं पहली बार कैरी कर रहा हूँ बिकॉज मैं जब भी आया हूँ सिर्फ एक कैरी बैग के साथ आया हूँ। सो भाई लगेज मेरा भी फर्स्ट फ्लाइट है मम्मी के साथ। सो बैगेज तो अभी हम लोगों ने सेट कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं कैरी बैग लेके। ट्रॉली पीछे रख दी है। आई डोंट नो व्हाई वो लोगों ने स्टिकर फाड़ के वापस से नए स्टिकर लगाए। सीट चेंज की मे बी उसने इसलिए। बट एनीवेज अब तक का एक्सपीरियंस सही रहा है। अभी फिलहाल हम लोग को गेट नंबर 32A से जाना है। मम्मी आ रही है पीछे से और उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज पहला एक्सपीरियंस है और इतनी बड़ी स्पेस, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं और प्लेन्स भी दिख रही हैं अभी बैकग्राउंड में। मज़ा आ रहा है। अब बस हम लोग आई थिंक जल्दी पहुँच गए टाइम से। चेक इन में मुझे ऐसा लगा थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा बट इतना लगा नहीं। तो बस अभी अपने गेट पर जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए और फिर फ्लाइट के अंदर। जाओ जाओ। हाँ खड़े रहो, बस खड़े रहो, कुछ नहीं होगा मम्मी, डरो मत। मम्मी ऑटोमेटिक आगे जा रहे हो आप तुम। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आगे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है नहीं चलने की जरूरत। चल भी सकते हैं, सब लोग चल रहे हैं। देखो सबसे पीछे नहीं रहोगे?
नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, आराम से आ गए। सो हमारी फ्लाइट अभी एक घंटा डिले हो गई है। 1 बजे का चेक इन था, हम लोग 1 घंटा जल्दी पहुंच गए हैं। 2 बजे का चेक इन स्टार्ट होगा अभी, तो मम्मी बैठी है और मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ। तो खुश है, डिले हो गई तो भी खुश है कि भाई एयरपोर्ट और एंजॉय करने मिलेगा। मस्त बैठ के खाना चिप्स वगैरह खा रही है और मुझे भी अच्छा लग रहा है उनको लाके। काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि अब ये सब चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल सी लगती हैं। आई थिंक मिडिल क्लास लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड वंस यू स्टार्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इट काइंड ऑफ बिकम यू नो वैल्यू कम हो जाती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं होता, दे जस्ट वॉन्ट सम अटेंशन एंड सम केयर इन देयर एज। सो मेरा इंटेंशन बस यही था कि शी एन्जॉयज हर रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ इन रॉयल्टी, और जितना मैं कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगा हमेशा, और मुझे मज़ा आता है। शी हैज़ डन अ लॉट फॉर मी एंड आई don't think so I can ever repay that, and nobody can ever repay that. So the best thing we can do is show gratitude towards our parents and bas pyar karo yaar, thoda sa chahiye unko, itne mein hi khush ho jate hain wo. They don't want diamonds and properties from you. Choti choti cheeze matter karti hain life mein, and this is one of the things that I am blessed to have. And I feel ki mindset bahut sari cheezon ko badal deta hai. So apna mindset acha rakho aur God bless. I wish everybody conquers their dreams, no matter how small. Karte raho mehnat and everybody will reach a stage where things become easier and worth it. So let's go. Kuch lete hain peene ke liye. वैसे एक बात तो कंफर्म है, डाइट कोक इज वे बेटर देन पेप्सी ब्लैक, मतलब इन टर्म्स ऑफ ये दोनों कैलरी जीरो ड्रिंक्स हैं, बट कुछ टेस्ट नहीं है यार इसका, बेकार, एंड इट इज इवन कॉस्टलियर देन डाइट कोक। सो मतलब आई डोंट रिकमेंड ड्रिंकिंग दिस थिंग्स, बट इन केस अगर तुम बाहर हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जस्ट वॉन्ट यू आर जस्ट डूइंग वट इज़ द लीस्ट डैमेजिंग स्टफ, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कोक ओवर पेप्सी एनी डे। मम्मी का तो मिनी थिएटर चालू है, मस्त नीचे से वो मस्त चिप्स निकल के खा रही है, ऊपर मस्त सीरियल देख रही है स्पीकर पे। अपना देसी अंदाज कभी छोड़ता नहीं है कोई। चलो उनका फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है तो उनके अपने मजे चालू है अब। लेकिन मुंबई में ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा बिकॉज हम लोग लैंड लेट करेंगे। तो सरप्राइजिंगली हमारी फ्लाइट डिले हुई है और नेहल की फ्लाइट 3:45 की है, सो वी गोना मीट हर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो 37 गेट पे जाने वाली है तो शी हैज टू गो फ्रॉम हियर। सो क्या बोलते हैं, उसको लिखा था हमारा मिलना, तो अब मिलाव होगा, मजा आएगा, मजा आएगा। नेहल को अभी तक पता नहीं कि हमने उसको देख लिया, मैं उसको पीछे से सरप्राइज करने वाला हूँ, देखते क्या रिएक्शन होता है, उसको पता चलेगा नहीं पता चलेगा। उनको भागना पड़ेगा बिकॉज मेरे सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो मुझे बोर्ड करनी पड़ेगी फ्लाइट।
कमन भाग जाएगी। तेरा कहाँ है? तेरे यहाँ? हाँ। तू ये कैसे वाला? कैंडिड रिएक्शन ले रहा हूँ मैं तेरा। मैं उधर से कुछ देख लिया था ऑलरेडी। बट मैं देख रहा था कि नेहर मेरे को, मैं सामने भी आया तेरे। अच्छा? हाँ। शॉप में था? शॉप में आया ऐसे घूम के मैंने आया और फिर मैंने देखा चलो देखता हूँ मैं कर सकता हूँ क्या। तेरा गेट बंद हो रहा है क्योंकि मेरा तो 240 को होने वाला है और मेरी एक घंटे की फ्लाइट डिले हो गई और मैंने मम्मी को भी फोन किया कोई उठ रहा है क्या। मैंने बोला और उस समय मुझे इन्हें बोला टर्मिनल 3 मुझे लगा होगा किसी और टर्मिनल से। सो वन एंड ओनली हम लोग डेस्टिनेशन पे मीट करने के लिए नेहल मिस यूनिवर्स 18 और बहुत ऐसा कोइंसिडेंस सबके साथ। हाँ एक्चुअली होना चाहिए पता है क्या मतलब मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि ये भी आज ही जाने वाली है T3 से ही जाएगी और हमारी फ्लाइट डिले भी होगी एक घंटे से और हम लोग मिल गए और मैं इसके पीछे आके खड़ा था और इसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं घूम के इसके सामने से गया हूँ। बट एनीवेज काफी मजा आया। देखो भाई डेस्टिनी नाम की चीज होती है। मेरे को लगा नेहल एकदम भाग भाग के जा रही है, मैं पीछे से जाता हूँ देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है नेहल का। हेलो हाय मैं क्या बंदा बोर्डिंग हो जाता है फिर एकदम। सो बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया, मम्मी का कॉल आया, हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं। आई थिंक सो नेहल की मुलाकात हो जाएगी और इट्स काइंड ऑफ वाइल्ड। कैसा लग रहा है? अब मजा आएगा जब फ्लाइट उड़ेगी। आंटी आरती वरती गा के हल्का है। रहने दो